डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए फिज़िक्स पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, क्लास 12th में हम लोग फिज़िक्स में पिछले दिन LCR सर्किट और क्यू गुणक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग आइए अगले टॉपिक्स पे बात करते हैं, जिसका नाम है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा, ठीक है। अब ये वाटहीन धारा क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक बनाया जाए वाटहीन धारा। वाटहीन धारा में फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे, पहले लिख लेंगे फिर चीज़ों को हम समझा देंगे। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति व्यय न हो, कोई शक्ति व्यय व्यय मतलब खर्च न हो, तो परिपथ के धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। वाटहीन धारा कहा जाता है। देखिए, नाम से पता चल रहा है, दो टर्म में तोड़ेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा वाट और हीन। वाटहीन का मतलब वाट जानते हैं ना, शक्ति कैसे मात्रक है। तो अगर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति का खर्च नहीं हो, जैसे कि उसको वाटहीन, हीन का मतलब खर्च नहीं हो, ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वाटहीन धारा किसको कहते हैं, तो जो वैसा परिपथ जिस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित होता है तो उसमें शक्ति खर्च नहीं होता है, यानी शक्ति उसका पावर एनर्जी खत्म नहीं होता है, यानी कि खर्च नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटहीन धारा। नाम से पता चल रहा है वाटहीन यानी कि शक्ति का खर्च नहीं होना। फिर इसी को हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं, यानी कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति खर्च नहीं हो, व्यय नहीं हो, उसको हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं। फिर नेक्स्ट एरो दिए लिखा जाए, वाटहीन धारा तभी संभव होता है जब शक्ति गुणांक का मान शून्य हो जाता है। देखिए क्या बोल रहा है कि वाटहीन धारा कब हमें प्राप्त होगा, जब किसी भी सर्किट का परिपथ का शक्ति जीरो हो जाए, यानी कि शक्ति बिल्कुल ही नहीं हो, ठीक है, यानी कि वो कब होगा, तो हम ये नेक्स्ट एरो में लिखे हैं कि वाटहीन धारा तभी संभव है जब शक्ति गुणांक का मान कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि शक्ति ही जीरो हो गया तो खर्च होने का सवाल नहीं है, है ना। इसलिए शक्ति गुणांक अगर जीरो होता है तब हम लोग कहते हैं कि ये वाटहीन धारा प्राप्त हो रहा है। यानी कि कोई बोलेगा कि वाटहीन धारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तो वाटहीन धारा प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति गुणांक का वैल्यू शून्य प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो वाटहीन धारा एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें कुछ फार्मूला वगैरह कुछ नहीं था, बस एक थ्योरी के तौर पे डेफिनेशन था। फिर लिखा जाए नेक्स्ट टॉपिक, चौक कुंडली। जी हाँ, अब हम लोग चौक कुंडली के तो बारे में सीखे हुए हैं कि कुंडली क्या होता है, और वही नहीं, परिणालिका के बारे में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। परिणालिका के बारे में पढ़ा, टेरॉयड के बारे में पढ़ा, तो वहाँ से हमको पता चल गया कि कुंडली का मतलब क्या, तो तार के लपेटों की संख्या। अब चौक कुंडली का मतलब क्या है, तो ज़रा इसको लिखने से पहले हम लोग कुछ
एरो देकर कुछ लिख लेंगे, फिर समझेंगे। लिखा जाए, चौक कुंडली एक उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है। उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है जो जो नरम लोहे के क्रोड पर नरम लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, पहले सब चीज़ को लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं, फिर नेक्स्ट एरो देंगे। सेकंड एरो लिखेंगे, चौक कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य रहता है, परंतु चौक कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य रहता है परंतु लोहे के क्रोड के कारण लोहे के क्रोड के कारण प्रेरकत्व का मान बहुत अधिक होता है। प्रेरकत्व का मान बहुत अधिक होता है जो परिपथ के प्रतिबाधा को बढ़ा देता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा का मान को कम कर देता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा के मान को कम कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे, चौक कुंडली का विशेष लाभ यह है कि चौक कुंडली का विशेष लाभ यह है कि है यह है कि इसके कारण परिपथ में इसके कारण परिपथ में इसके कारण परिपथ में विद्युत ऊर्जा का व्यय विद्युत ऊर्जा का व्यय न्यूनतम होता है जबकि प्रतिरोध के कारण यह व्यय बहुत अधिक हो जाता है। जबकि प्रतिरोध के कारण यह व्यय बहुत अधिक हो जाती है। नेक्स्ट एरो भंवर धारा के कारण होने वाले क्षय को लोहे के क्रोड को परतदार बनाकर प्रतिदार बनाकर न्यूनतम कर दिया जाता है। चलिए
तो यहाँ से हम लोग पहले हम लोग चौक कुंडली के बारे में सीखेंगे कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहला कि इसका फिगर हम लोग देखेंगे, तो एक क्रॉड होता है, ये लोहे का बना एक क्रॉड है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, ये एक लोहे का क्रॉड है, ठीक है, ये लोहे का क्रॉड है, यानी कि इसको हम बोलेंगे कि लोहे का क्रॉड, लोहे का क्रॉड, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि इसमें आपको एक तांबे के तार को लपेटा गया है, एक तांबे के तार को लपेटा गया, सॉरी, यहाँ पे एक एसी सोर्स जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग जानते हैं ना, ई होता है विद्युत वाहक बल, ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो एसी सोर्स जुड़ा हुआ है, अब ये तांबा के तार इसमें लोहे के, जैसे कि हम लोग परिनालिका में एक प्लास्टिक का पाइप के ऊपर लपेटते हैं ना, यहाँ पे लोहे के क्रोड के ऊपर हम लोग लपेटते हैं तांबे के तार को, ठीक है, इनेमल से उसको, इनेमल को लगाकर तांबे के तार में, और उसको हम लोग लपेटते हैं। जैसे यहाँ पे लपटेंगे तो एक लपेटा हुआ, फिर आगे हुआ, ऐसे करके हम लोग लपेट दिए इसको, आप देख पा रहे होंगे कि एक लोहे का क्रॉड था और इसी क्रॉड पे ये लपेटा गया है तांबे के तार, और इससे एक एसी सोर्स जोड़ा गया है। तो अगर कोई पूछेगा कि चौक कुंडली क्या है, तो चौक कुंडली एक उच्च प्रेरकत्व का कुंडली होता है, यानी कि इसका प्रेरकत्व, इसका एल का वैल्यू, एल का वैल्यू सबसे महत्तम होता है, एल महत्तम, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि चौक कुंडली, तो यही है हमारा चौक कुंडली, जिसका प्रेरकत्व का मान क्या है, एल का मान बहुत ही अधिक है, बहुत ही उच्च है, ठीक है। जो किस पे लपेटा गया है, तो एक नरम लोहे का क्रोड पर तांबे के तार द्वारा लपेटा गया है, देख पा रहे हैं, और इसी इसी तार को हम लोग बोलते हैं, इसी तार को हम लोग बोलते हैं क्या, फेरों की संख्या, और फेरों की संख्या का मतलब यही हम लोगों का कुंडली बनाता है, ठीक है। और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, चौक कुंडली, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए चौक कुंडली ये वह कुंडली होती है जिसका प्रेरकत्व, प्रेरकत्व को एल से सूचित करते हैं, एल का मान क्या होता है, महत्तम होता है, और ये जो कुंडली होती है ना, ये नरम लोहे के क्रोड पर, नरम लोहे के छड़ पर तांबे के तार द्वारा लपेटा हुआ रहता है इनेमल को लगाकर, ताकि विद्युत रोधी बना रहे, ठीक है। तो ये फिगर उसके नीचे बना लेना है जो एरो देकर लिखे हुए हैं। फिर हम लोग क्या लिखें कि इस कुंडली का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होता है। देखिए, एक बात और याद रहना चाहिए कि चौक कुंडली के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एल का मान जो होता है इसका महत्तम होता है, जबकि आर का मान बहुत ही, यानी कि प्रतिरोध कितना होता है, तो लगभग जीरो के बराबर होता है, यानी इसमें प्रतिरोध होता ही नहीं है। तो चौक कुंडली में प्रेरकत्व का मान अधिक से अधिक होता है, जबकि प्रतिरोध का मान शून्य भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि लोहे के क्रोड के कारण, यानी कि ये लोहे का क्रोड हम लोग यूज किया है ना, यही काम करता है एल के मान को बढ़ाने में, ठीक है, यानी एल का मान बढ़ा देता है, और यही कारण है कि धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि सबसे पहला कि एल महत्तम होता है, तो एल महत्तम होने की वजह से प्रत्यावर्ती धारा का जो तत्कालिक मान हो जाता है वो घट जाता है या फिर कम हो जाता है। किसके वजह से, बातों को समझिए, सभी चीज़ लिंक है। सबसे पहले चौक कुंडली कैसे बनता है, तो एक लोहे के क्रॉड के ऊपर तांबे के तार को लपेटा जाता है,
जब हम लोग तांबे के तार को लपेटते हैं तो चौक कुंडली बनता है, लेकिन वो लोहे का क्रोड नरम लोहे होना चाहिए। देखिए लोहे का भी कई प्रकार हैं, आप पढ़े होंगे, तो नरम लोहे, पिटवा लोहा, अलग अलग कच्चा लोहा है ना, उसी को नरम लोहा कहते हैं, तो पक्का लोहा भी होता है। तो वो नरम लोहे के क्रोड पे ऊपर हम लोग तांबे के तार को लपेटे हुए हैं, तो इसका जो एल का मान महत्तम होता है उच्च होता है, लेकिन इसका प्रतिरोध शून्य होता है। लेकिन इसमें लोहे के क्रोड के कारण एल का मान अधिक होता है, परंतु एल के मान अधिक होने की वजह से जो इसमें प्रत्यावर्ती धारा होगा उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है या फिर कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझे कि चौक कुंडली क्या है। अब इस चौक कुंडली के बारे में हम लोगों ने सीखा कि एल का मान महत्तम होता है, आर का मान लगभग शून्य होता है, और आई का मान एल महत्तम होने की वजह से घट जाता है। और देखिए इसका फायदा क्या है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। अब रहा बात कि चौक कुंडली से हमें लाभ क्या है, तो हमें लाभ ये है कि इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। जैसे मान लिया कि अगर प्रतिरोध जोड़ते हैं बीच में, किसी भी मान लिया कि एक वायर है, अब इस वायर में हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ दिए, तो प्रतिरोध जोड़ दिया, मान लिया कि पहले अगर ये 50 वोल्ट का था और प्रतिरोध जोड़ दिए, मतलब कि इसमें वोल्ट में कमी हो गया ना, यानी कि 48 वोल्ट हुआ, तो यहाँ पे ऊर्जा तो झुट का 2 वोल्ट खर्चा हो गया, और वो 2 वोल्ट ऊर्जा कौन ले रहा है, प्रतिरोध। यानी देखिए प्रतिरोध का मतलब ही होता है कि अवरोध उत्पन्न करना, उस तार में जो भी करंट का मान जा रहा है या विभव का मान जा रहा है उसमें क्या करना, अवरोध पैदा करना, उसी का तो नाम है प्रतिरोध। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका प्रतिरोध शून्य है, मतलब कि कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहा है। जब कोई अवरोध पैदा ही नहीं कर रहा है, यानी कि पूरा का पूरा 50 वोल्ट का 50 वोल्ट हम विभव प्राप्त कर रहे हैं, या फिर 10 एम्पियर का 10 एम्पियर धारा प्राप्त कर रहे हैं, कोई यहाँ पे कमी नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि चौक कुंडली में एल का मान महत्तम होता है, आर का मान लगभग शून्य हो जाता है, इसी के वजह से आर का मान यहाँ नहीं रहने के वजह से हम लोगों को इसमें विद्युत ऊर्जा का व्यय बिल्कुल ही नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं न्यूनतम होता है, यानी कि कम से कम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात चौक कुंडली में, कि चौक कुंडली में एक लोहे का क्रोड होता है जिस पे तार के लपेटों की तांबे के तार के लपेटों की संख्या होती है, जिसको फेरों की संख्या बोल रहे हैं। इसका प्रेरकत्व का मान अधिक होता है, आर का मान शून्य होता है, जिसके वजह एल का मान महत्तम होने की वजह से करेंट इस प्रत्यावर्ती धारा में जो करेंट होता है उसका वैल्यू घट जाता है। और दूसरी बात कि इसमें इससे यह लाभ है, चौक कुंडली से लाभ क्या है, तो इससे यह लाभ है कि इसमें हमें विद्युत ऊर्जा की व्यय बहुत कम होता है या न के बराबर होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा खर्च ही नहीं होता, ये बोलिए, यानी कि सॉलिड प्राप्त होता है हमें, टू द पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात कि अगर मान लिया कभी कभी होता क्या है ना कि भंवर धारा के कारण कुछ लोहे के क्रॉड में क्षय उत्पन्न हो जाता है, यानी अभी हम बोले ना कि व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, लेकिन होता क्या है ना, भंवर धारा तो पड़े हैं हम लोग पीछे एडी करंट, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी वायर को तेज़ी से अगर घुमाया जाता है, तो उसके किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी भी वायर को हम लोग तेज़ी से घुमाते हैं, तो उसमें जो करंट का वैल्यू है वो वृत्ताकार रूप में घूमने लगता है ऐसे, तो ये वृत्ताकार फॉर्म का एक धारा उत्पन्न करता है जिसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं सॉरी। तो भंवर धारा के कारण जो लोहे के क्रॉड में क्षय उत्पन्न होता है, लेकिन इसीलिए इसको परतदार बनाया जाता है, यानी कि बहुत ही पतला परत, आप एकदम इससे भी पतला परत, इससे पतला परत बनाया जाता है लोहे का क्रॉड। क्यों? क्योंकि ये अधिक दिन तक टिकाऊ रहे, ठीक है, क्योंकि पतला परत रहता है लोहे का क्रोड, तो उतना क्षय नहीं होता है, यानी कि भंवर धारा के कारण जो चौक कुंडली में क्षय उत्पन्न होता है, इसलिए हम लोग लोहे के क्रोड को समय समय पे क्या करते हैं, या तो बदलते हैं या फिर उसको
बोल सकते हैं कि परतदार बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे चौक कुंडली के बारे में। तो चौक कुंडली के बारे में सीखा, अब आइए हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं। एक और नोट में करके लिखा जाए, नोट, NOT, नोट में करके लिखा जाए, नोट में कुछ इम्पोर्टेंट बात है, लिखा जाए। प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिरोध के स्थान पर शून्य प्रतिरोध की प्रेरण कुंडली, शून्य प्रतिरोध की प्रेरण कुंडली को व्यवहार किया जाए तो का व्यवहार किया जाए तो विद्युत शक्ति का व्यय नहीं होता है, व्यय नहीं होता है। चलिए इस बार क्या सोच सीखे हम लोग कि अगर हम लोग जैसे यहाँ पे क्या सीखे कि चौक कुंडली में तो R का वैल्यू शून्य होता है, सीखे ना। लेकिन अब हमें एक और इम्पोर्टेंट नोट में करके बात लिखे हैं कि अगर किसी अवस्था में L का ही मान शून्य हो जाए, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग को प्रेरकत्व का मान ही अगर जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, तब क्या कह सकते हैं हम लोग, यानी कि अभी हम लोग क्या देखें कि इसका प्रतिरोध शून्य होता है। लेकिन प्रतिरोध शून्य न करने के बजाय अगर हम लोग प्रेरकत्व को शून्य कर दें, अगर प्रेरकत्व को शून्य कर दें तो फिर हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ चौक कुंडली में हम लोग पढ़े कि अगर R के बजाय L का मान को जीरो कर दिया जाए, यानी कि प्रेरकत्व को शून्य कर दिया जाए, तो हम लोगों का शक्ति व्यय नहीं होता है। देखिए विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा में अंतर है, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा दोनों में अंतर है। तो इसलिए दोनों याद रखिएगा कि जब L का मान यानी कि प्रेरकत्व का मान अगर हम लोग जीरो रखते हैं तो हम लोग का विद्युत शक्ति व्यय नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग चौक कुंडली के बारे में ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग सीखे हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ।